श्रीलंका में आर्थिक राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। इस बीच गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर चले गए हैं। जानकारी के मुताबिक गोटबाया राजपक्षे फिलहाल मालदीव पहुंचे हैं। वहीं श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। उन्होंने देश में आपातकाल की घोषणा की है। इस बीच कोलंबो की सड़कों में स्थित बेकाबू भीड़ नजर आ रही है, तो वहीं राष्ट्रपति के देश छोड़ते ही कोलंबो में हंगामा हो गया। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन के बाद प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा जमा लिया है। वहीं प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश और कवायद भी लगातार जारी है, तो वहीं पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की है और साथ ही आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। तस्वीरें जरा आप देखिए और तस्वीरों के माध्यम से श्रीलंका की जो वर्तमान स्थिति है उसको समझने की कोशिश हम करेंगे, क्योंकि वहां पर प्रदर्शनकारी जगह जगह पर नजर आ रहे हैं। सड़कों पर एक तरीके से प्रदर्शनकारियों का कब्जा नजर आ रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि वो तस्वीरें सभी ने देखी थी कि किस तरीके से राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारी घुस गए थे 9 जुलाई की वो तारीख, और उसके बाद अगर आज की तस्वीरों को हम देखें तो आज भी लगभग तस्वीरें कुछ वैसी ही है। प्रदर्शनकारियों ने अब पीएम आवास पर कब्जा करने की कोशिश की यहां पर की है। तस्वीरें जरा आप देखिए प्रदर्शनकारी किस तरीके से विरोध प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं। तो ये भी जानकारी आप तक पहुंचा दें कि श्रीलंका में सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतर आए हैं। कोलंबो में विक्रमसिंघे के घर के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की कोशिशें लगातार जारी है। सेना ने प्रदर्शनकारियों पर फिर आंसू गैस के गोले दागे हैं। अब ये 6 तस्वीरें भी जरा आप देखिए सड़क पर किस तरीके से लोग नजर आ रहे हैं, जनता किस तरीके से सड़कों पर उतर आई है वो जरा आप तस्वीरों के माध्यम से समझिए। अलग अलग पोस्टर्स भी लोग लेकर आए हैं और इन पोस्टर्स के माध्यम से यहां पर विरोध जताने की कोशिश आम लोग कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप जरा देखिए कोलंबो की ये तस्वीरें हैं, वहां पर भी प्रदर्शन जोरदार तरीके से किया जा रहा है। अलग अलग झंडे लेकर लोग यहां पर पहुंचे हैं, उनकी ओर से नारेबाजी भी की जा रही है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पीएम आवास की तस्वीरें आप जरा देखिए, प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा किया है। यहां पर प्रदर्शनकारी कब्जा करते हुए नजर आ रहे हैं। 4थी तस्वीर जरा आप देखिए, सुरक्षा बल तैनात है। हालांकि यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा बल अभी जितनी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं उस संख्या के मुताबिक नाकाफी से लगते हैं, क्योंकि उनके हाथ में वैसे तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था है पर सिचुएशन को संभालने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी कि कहीं प्रदर्शनकारी उनके एक्शन से और ज़्यादा भड़क ना जाए। तो वहीं आंसू गैस किस तरीके से छोड़ी गई वो तस्वीरें भी आप देखिए, प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं। तो 6 तस्वीरें आपने देखी और उसके बाद ये तस्वीर जरा आप देखिए पीएम आवास की तस्वीरें हैं जहां पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। आंसू गैस के गोले भी दागे गए। कोशिश ये भी थी कि आंसू गैस के माध्यम से इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जाए पर ये और भी ज्यादा उग्र होते हुए नजर आ रहे। One of the branches and Prime Minister Vikramasinghe has been working out of here and they want him to also resign along with the President because otherwise according to our constitution when the President resigns the Prime Minister becomes interim or acting President. Well, when the protesters started coming there was tear gas, so I am a resident and it came into our homes as well, but they have moved special forces, army troops just moved in through the road and they have deployed themselves inside, so we certainly hope that there will not be weapons used against unarmed protesters because that will be a gross violation of law. So we are meeting to get some idea about how to get elect the next president of the country. So SJB is the main opposition party. So number of parties are inside. They are discussing the options available to come to a greater consensus. Right? We believe that after all these things, that consensus is important when you're electing a next president. So that is the discussion that is going on inside. No, actually now, still it's under discussion. What we want to emphasize and what we have told them is that it is important to come to a consensus agreement with the parliamentary MPs. तो ये तमाम अहम बातें आपने सुनी और इस वक्त जो आप सुन रहे थे तो वो आपको बता दें कि श्रीलंका के सांसद अनुरा प्रियदर्शन को आप सुन रहे थे जिनकी ओर से बयान सामने आया कि किस तरीके से अगला राष्ट्रपति चुना जाए इसको लेकर के मंथन किया जा रहा है, बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। तो साथ ही आपको ये भी बता दें कि वहाँ की मौजूदा सिचुएशन को समझते हुए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एक ऐसा चेहरा होना चाहिए जिसको देख करके जनता का आक्रोश और ज़्यादा ना भड़के।
अब इसी खबर को लेकर बातचीत के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार अनुपम जेटली जी जुड़ चुके हैं। अनुपम जी, देखिए जो मौजूदा सिचुएशन है श्रीलंका की, तो उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और राष्ट्रपति को लेकर बात हो रही थी, कार्यवाहक राष्ट्रपति को चुना गया, पर जो नाम ऐसा होना चाहिए था ताकि जनता उस पर विश्वास कर सके, पर नाम ऐसा सामने नहीं आया है। देखिए, ऐसा है कि इस समय कोई भी व्यक्ति उस पोस्ट पर जाने को तैयार नहीं होगा। लोगों में इतना आक्रोश है कि आपने देखा कि प्रेसिडेंट हाउस पर लोगों ने कब्जा कर लिया, वहां लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं है। श्रीलंका एक ऐसा नमूना बना है जो कि डेमोक्रेसी के लिए एक आंख चेतावनी है, हर डेमोक्रेसी के लिए, कि डेमोक्रेसी कैसे चलनी चाहिए। प्रेसिडेंट जो है वो देश छोड़ के भाग जाता है, जो कि सारी चीजों के लिए जिम्मेदार था, इस बिगड़ती हालात के लिए जिम्मेदार था। और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रम सिंघे को विदेश नहीं जाने दिए या भागने को तैयार नहीं हुए, तो प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 37(1) के तहत उनको, प्राइम मिनिस्टर को, एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। ये सब जो है फिजूल की बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। उस देश की स्थिति को संभालने की हालत, जब तक बाहरी ताकतें, वर्ल्ड बैंक, मॉनिटरी फंड और बाकी देश आकर उनके आर्थिक सहायता और बाकी खाद्य सामग्री की सहायता, पेट्रोल की सहायता नहीं करेंगे, तब तक इस देश का कोई भविष्य नहीं होगा। अनुपम जी, देखिए सब्सिडी का वो मीठा जहर जो आम लोगों के लिए तो घातक बना ही, साथ ही सत्ता पक्ष के लिए भी एक बहुत बड़ा जहर बन गया, और यही वजह कि पद छोड़ना पड़ा और उसके बाद ये मौजूदा सिचुएशन सामने आई है, पर इसका हल क्या हो सकता है? इसका हल श्रीलंका अपने बूते पर करने में सक्षम नहीं है। श्रीलंका को इस समय बाहरी देशों की मदद चाहिए ताकि उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके और वो इस स्थिति में हो कि बाहर से सामान को विक्रय कर सके और अपने लोगों के लिए खाद्य सामग्री, बिजली, पानी और जरूरी दवाओं को उपलब्ध करा सके, तो उस देश में नहीं है। और श्रीलंका के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बाहर से आयात कर सके, इसलिए मानवता के आधार पर बाकी जितने देश हैं उनको आगे बढ़ के मानवता के हक में सोचना चाहिए और श्रीलंका की तरफ एक मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, मदद का हाथ सभी देशों को ही बढ़ाना चाहिए, पर जब कॉन्वर्जेशन की बात आती है, संवाद की बात आती है, तो एक नेतृत्व जरूरी हो जाता है, और नेतृत्व भी वो होना चाहिए जिस पर जनता का विश्वास हो, पर अभी फिलहाल ऐसी कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही है। रानिल विक्रम सिंघे, जिनको एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित किया गया है आर्टिकल 37(1) जो श्रीलंका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक, वो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे। और दूसरे जो थे, जिनको, जो प्रेसिडेंट के भाई थे और जिनको विदेश जाने से इमिग्रेशन ऑफिसर्स की यूनियन ने रोक दिया, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको तो किसी भी हक में, किसी भी हद में श्रीलंका के लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर ही एक अकेला ऐसा नेता बचता है, या विपक्ष का कोई नेता लिया जाता, मगर ये उन्होंने बड़ी भूल की। शायद कोई विपक्ष का नेता लेते तो स्थिति शायद लोगों के समझ में आती और वो अपना आक्रोश कुछ कम करते। बिल्कुल अनुपम जी, और ये समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि वहां पर जो विवाद है वो शुरू हुआ और उसके बाद जब लोग सड़कों पर उतरे तो लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे थे, और ऐसे में उन्हीं को ये पोस्ट दे देना वाकई में एक बड़ा सवाल तो यहाँ पर है ही, पर ऐसे में क्या आप समझते हैं कि विपक्ष को आगे आना चाहिए, एक चेहरा विपक्ष का सामने लाना चाहिए ताकि देश की मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए अपने हित से हट करके देश के हित को सर्वोपरि रखा जाए? हमेशा एक, जो भी डेमोक्रेसी में शासन में आता है, जो रूलिंग पार्टी होती है, उसका एक मकसद होना चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष को सामने रखे। जो भी देश ये चाहेगा कि हम विपक्ष खत्म कर देंगे, हम विपक्ष मुक्त देश चलाएंगे, उस देश की हालत सूनर और लेटर श्रीलंका जैसी ही होगी, क्योंकि वहां पर फिर जो रूलिंग पार्टी है वो अपना वर्चस्व दिखा के और जो चाहती रहती है, और गलत डिसीजंस एक के बाद एक होते हैं। बिल्कुल अनुपम जी, और देखिए अगर हम सुरक्षा बलों की बात करें तो जितने प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं तो उतनी संख्या में सुरक्षा बल तो नाकाफी है, और उनके हाथ भी हम कह सकते हैं एक तरीके से कटे हुए से हैं, क्योंकि वो अगर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं तो हो सकता है कि प्रदर्शनकारी और ज्यादा उग्र हो जाए और ज्यादा उनका प्रदर्शन बढ़ जाए। एक समय आता है जब सुरक्षा बल खुद सोचते हैं, क्योंकि उनके परिवार
इस सबसे अफेक्टेड है, प्रभावित है, उनके परिवारों में खाने के लिए नहीं है, उसके अपने बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो अंग्रेजों के शासन में भी ऐसा हुआ कि अंग्रेजों की फौज जो भारतीयों की थी उसने एक्शन लेने से मना कर दिया। और ये ऐसे कई वाक्य हैं इतिहास में अलग अलग देशों में। तो मुझे नहीं लगता कि फौज पूरी तरीके से श्रीलंका सरकार के आदेश मानने के लिए तैयार है। उसे पता है कि जन आंदोलन इस समय सिविल वॉर की स्थिति में है और वो पूर्णतया न तो सरकार के साथ है और ना ही वो पूर्णतया खुलकर अभी जनता के साथ आए। बिल्कुल अनुपम जी, पर ऐसी सिचुएशन में जो मुझे लगता है कि सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि आम लोगों को शांत करवाया जाए, कोई ऐसी मदद उन तक मुहैया कराई जाए ताकि जो खाने की समस्या है, जो पेट्रोल की समस्या है, कुछ जो जरूरी समस्याएं हैं या कहें कि मूलभूत जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाए तो लोग शायद थोड़ा शांत हो सकते हैं। आपने सही कहा, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं भोजन, दवाएं, ये दो तुरंत लोगों को मुहैया करानी चाहिए। उसके बाद आर्थिक पैकेज देने चाहिए श्रीलंका को ताकि वो इस स्थिति से उभरे। जब लोगों के पास बिजली होगी, लोगों के पास खाने को होगा और दवाइयां होंगी, तभी जाकर ये आंदोलन कुछ शांत होगा। बिल्कुल, भूखा इंसान जो है वो गद्दार होने के लिए भी तैयार हो जाता है। बिल्कुल अनुपम जी, तो बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, और एक जो भी गलती होती है तो वो कुछ ना कुछ सबक जरूर सिखाती है। तो सब्सिडी का मीठा जहर श्रीलंका के लोगों को खिलाया गया जिसका खामियाजा वहां की सरकार भी भुगत रही है, वहां के लोग भी भुगत रहे, तो पूरी दुनिया को कौन सा लेसन लेना चाहिए इस पूरी घटना से? देखिए, सब्सिडी जो है कुछ खास वर्गों के लिए और कुछ खास चीजों के लिए, जैसे किसानी है, फार्मिंग है, वहां अमेरिका, रशिया, सारे उन्नत देश जो है वो सब्सिडी देते हैं जी। मगर सब्सिडी देश को वहां तय करनी है जहां तक उसकी आर्थिक व्यवस्था उसको उसको सपोर्ट कर रही है। अगर जेब में पैसा नहीं हो, हम सब्सिडी देंगे तो हम अपने ही जो धन हमारे पास है आरबीआई में या किसी भी देश के बैंक में, हम उसको व्यय कर रहे हैं बिना कमाई के। श्रीलंका में यही हुआ है। बिल्कुल, और इस समस्या को समझना भी होगा अनुपम जी, और इसी के मुताबिक आगे जो देश बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं उनको भी एक लेसन यहाँ से लेने की जरूरत हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।